हेलो फ्रेंड्स, जोमेटो का आईपीओ आज ओपन हो चुका है। 14 जुलाई है और इस आईपीओ के ऊपर सबकी नज़र थी। ये एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो आपके लिए बनाना हूँ ताकि आप डिसीजन ले सकें कि जोमेटो के आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखिएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जोमेटो है क्या? जोमेटो 2010 में बनी एक कंपनी है, आप सब जानते हैं। आपके घर घर फूड डिलीवरी पहुंचाने का काम करती है। बी टू सी बिजनेस के अंदर में है। बिजनेस टू कस्टमर मतलब फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग आउट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जोमेटो प्रो इनकी एक एप्लीकेशन है जो लॉयल्टी प्रोग्राम रन करते हैं, जहां पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं अगर आप डाइनिंग या आप फूड ऑर्डर करते हैं तो। जोमेटो 23 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी छाप छोड़ चुकी है। 131,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं। 161,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। एंड एवरेज मंथली फूड ऑर्डर है 10.7 मिलियन कस्टमर्स को, जो कि बहुत ही बड़ा है, जबरदस्त है। क्या स्ट्रेंथ है जोमेटो की, ये देख लेते हैं। इट इज अमंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। यस, सबने जोमेटो का नाम सुना ही है। रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया, ये भी आप जानते हैं, पूरे देश में काम करती है। हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क मतलब जबरदस्त नेटवर्क है, आप किसी भी कोने में फूड ऑर्डर करेंगे जोमेटो आपके लिए लेके पहुंच जाएगा। नंबर वन चॉइस रहती है जोमेटो लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 131,233 रेस्टोरेंट्स, क्या जबरदस्त टाइप है। एंड 161,637 डिलीवरी पार्टनर्स, जबरदस्त लगती है कंपनी। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपको निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। देश की दिग्गज कंपनी के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक फुल सर्विस ब्रोकर है और इनके साथ अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको एक साल की फ्री एमसी मिलेगी। स्मॉल केस इनके साथ आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट एपीआई आपको मिलती है। फ्लैट 20 रुपए की ब्रोकरेज रहती है पर ट्रेड की। पर्सनलाइज एडवाइजरी भी रहती है क्योंकि एक फुल टाइम ब्रोकर है, साथ में डिस्काउंट कन्वर्टेड है, डिस्काउंट ब्रोकर में कन्वर्ट हुआ है, फुल टाइम ब्रोकर है तो पर्सनलाइज सर्विस आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आप किसी ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं, जैसे जीरोधा हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, आईएफएल हुआ, आस्था ट्रेड हुआ, एलिस ब्लू हुआ, इन सब के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। किसी पे भी जाके लिंक पे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। जाइए अभी लिंक पे क्लिक कीजिए, अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईपीओ की डिटेल्स को जान लेते हैं। आईपीओ आज खुल चुका है, 14 जुलाई 2021 है, आज ओपन हो चुका है। 16 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 1 रुपए का फेस वैल्यू शेयर का रखा गया है। आईपीओ प्राइस का जो बैंड रखा गया है 72 रुपीज से 76 रखा गया है, काफी अट्रैक्टिव है। मार्केट लॉट रखा है 195 शेयर्स का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो आप अप्लाई कर सकते हैं 195 शेयर्स से आप कम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मिनिमम एप्लीकेशन एक लॉट की लगा सकते हैं 195 शेयर्स की, जो आपकी 14,820 रुपीस की बनती है। मैक्सिमम एप्लीकेशन आप 13 लॉट की अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट्स की, व्हिच मेक्स 2535 शेयर्स विद टोटल सम्स अप टू 192,660 रुपीस। इससे ज्यादा की एप्लीकेशन रिटेल नहीं लगा सकता। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इस पे नजर लगा सकते हैं। कंपनी हमेशा आईपीओ लेके आती है फर्दर एक्सपेंशन के लिए। कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, कोई बड़ा आइडिया होता है उसके पीछे में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्टिविटीज होती हैं, कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस होते हैं, इसी के लिए कंपनीज आईपीओ लेके आती रहती हैं। अब जोमेटो आईपीओ के कुछ रिव्यूज और रेटिंग्स देख लेते हैं, किसने क्या क्या कहा है। एक्सिस कैपिटल न्यूट्रल रिमार्क्स दे रही है, इसको रिव्यू दे रही है। कैपिटल मार्केट ने कहा है मे अप्लाई। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग वाले कहते हैं मे अप्लाई। दिलीप दावड़ा कहते हैं अवॉइड कीजिए। जीपीएल कैपिटल कहता है अप्लाई। आईसीआईसी सिक्योरिटीज न्यूट्रल है इसके ऊपर में। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कहते हैं अप्लाई। रेलिगेट ब्रोकिंग न्यूट्रल है। दोस्तों, इन सबके अपने अपने रिव्यूज हैं, अपना अपना सोच है, मेरा अपना सोच है, आपका अपना सोच है। सोचिए समझिए कि क्या आपको जोमेटो पसंद है, क्या आपको जोमेटो में कोई फ्यूचर नजर आता है। आप रिटेल में हैं, आप रिटेल हैं, बी टू सी के बिजनेस में जोमेटो है, बिजनेस टू कस्टमर के बिजनेस में है। अगर आपने कभी भी जोमेटो की सर्विसेज को अप्लाई किया है, यूज किया है और आपको लगता है कि आगे भी यूज करेंगे, तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जोमेटो को अभी तक अगर देखा जाए तो एंकर फंड्स ने 35 टाइम सब्सक्राइब कर लिया गया है, तो क्या ये ऑलरेडी हिट हो चुका है? क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? ये फाइनल डिसीजन में आपकी विल पे छोड़ता हूं, आपकी नॉलेज पे छोड़ता हूं। मेरे हिसाब से मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं, बट मेरे डिसीजन से मैं बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता कि आप इसमें अप्लाई करें। अपना डिसीजन खुद लें, अपनी स्टडी खुद करें, उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपसे कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।